जय श्री महाकाल। आप सभी को माता रानी खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखें, ठीक है। और मेरी आज छोटी सी वीडियो है आपके लिए, और ये मैं आपको बताती हूँ कि भगवान ये तीन चीजें ना किसको देते हैं। वो लाखों और करोड़ों में से वो कोई एक ही व्यक्ति होता है जिसे भगवान ये चीजें प्रदान करते हैं। तो वो क्या चीजें होती है, जो जैसे देखो भगवान को सभी पूछते हैं, ठीक है, भगवान को सभी पूछते हैं, भगवान को सभी प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं, स्वयं प्यार करते हैं भगवान, वो करोड़ों में से कोई एक ही होते हैं, ठीक है, जिन्हें जो निष्काम भक्ति करते हैं। और जिन लोगों को अनन्य भक्ति चाहिए होती है, अनन्य भक्ति चाहिए होती है, अनन्य भक्ति में परीक्षाएं बहुत होती है, बहुत परीक्षाएं होती है, अंत तक भगवान खून के आंसू रुला देते हैं कि ये साधक हमसे दूर हुए, किसी भी तरह दूर हुए, और हम अपना इसको पनाह नहीं देंगे। तो उसके लिए वो बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत दुख देते हैं साधक को कि ये दूर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगा रहता है, और बिना इच्छा से, उसे कोई इच्छा नहीं है, उसे कोई इच्छा नहीं है, तब भी वो लगा हुआ है। तो उसको कहते हैं निष्काम भक्ति, ठीक है। और तीसरा होता है कि शरणागति। शरणागति का मतलब होता है कि आपने अपनी पूरी शरण प्रभु को दे दी, प्रभु को दे दी और उसको समर्पित कर दी आपने ये चीज। फिर ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये दुख आ गया भगवान जी, मैं आपके आपकी मैंने इतने चालीसे किए, मैंने आपकी इतनी पूजा करी, मैं भी मार क्यों हो गया, मेरा बच्चा को ऐसे क्यों नहीं हुआ, या मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए, या मुझे जीवन के सारे दुख है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ। वो सब कुछ आप अपने लिए करते हैं, वो आप प्रभु के लिए नहीं करते हो। प्रभु के लिए आप तब करते हो कि आपको निरंतर डे बाय डे दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख मिल रहा है, एक से नई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो रही, तब भी आप प्रभु का दामन नहीं थाम छोड़ते हो, बैठे रहते हो उनको पकड़ करके। फिर आपको वो किसी दिन कोई मकाम हासिल करते हैं, कोई मकाम आपको देते हैं, आपको कोई रुतबा प्रदान करते हैं, आपको कोई मतलब ठीक जगह पर आपको पहुंचाते हैं, जब आपकी वो पूर्ण परीक्षाएं ले लेते हैं। अनन्य भक्ति आपको उस चीज के लिए करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताती हूँ कि निष्काम, निष्काम भाव होना चाहिए, निष्काम सेवा आपके अंदर होनी चाहिए। निष्काम सेवा कैसे होती है, जैसे अब लोग गद्दी धारण कर लेते हैं, गद्दी धारण करते हुए 100% साधकों के अंदर लालच उत्पन्न होता है, वो चाहे हम ले ले, चाहे कोई और ले ले, और वो होता है, अगर आप उस लालच को त्याग करके अपनी निष्काम भक्ति से समाज सेवा करते हो, जन कल्याण करते हो, आप लोगों का आशा नहीं रखते हो कि ये हमें कुछ देगा कि नहीं देगा, तो स्वतः आपको भगवान ढेरों लगाते हैं और आप समेटते भी नहीं थकते हो, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं, और बहुत कम को भगवान उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। वो निष्काम सेवा मांगते हैं, निष्काम भक्ति मांगते हैं, निस्वार्थ सेवा मांगते हैं, ठीक है। अब चक्कर ये हो जाता है कि निष्काम तो करें, सेवा तो करें, माना करें, हम भी करते हैं, मैं भी निष्काम ही करती हूँ, मैं घंटों बैठती हूँ लोगों की सेवा के लिए, कोई कुछ देने वाले बहुत कुछ वो कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, चढ़ावा देते हैं, ऐसा कोई नहीं होता, बेवकूफी कोई होता है जो ऐसे नहीं करता है, महारानी के वो नहीं करता है, सब करते हैं, सब करते हैं, सब भाव होता है, सबका होता है भाव, खुशी से सब करते हैं। बट चक्कर ये होता है कि हाँ आप मांग रहे हो कि हाँ हम आपसे बात भी करेंगे तो आपसे इतने चार्जेस लेंगे, तो हम आपका ये करेंगे तो हम ये भी लेंगे, तो ये गरीब मार तो फिर बहुत बड़ी पड़ती है ना इसमें। अमीरों के लिए तो घर पे ही आ जाते हैं सेवादार, उन्होंने तो एक फोन करना है, उन्होंने तो एक फोन करो, उनके तो जेब में तांत्रिक घूमते हैं मुझे पता है ना, मुझे पता है कि भी हाँ पता है उनको कि हाँ इनके पास चार पैसे हैं, जमीन जायदाद है, जेब में पैसा है, तो जेब में पाई घूमते हैं, है ना। तो आप गरीब बंदा क्या करे, गरीब के लिए तो फिर ये ऐसे चौकी दरबार ही होते हैं, अमीरों के लिए तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, एक सेकंड में ऐसी रूम फैसिलिटी सब मिलती है, पैसा गिरो सब कुछ मिलता है। साधारण व्यक्ति गरीब तो सरकारी हॉस्पिटल ही जाएगा ना, तो ये हमारा सरकारी ही हॉस्पिटल है, मैं तो यही इसको कहूंगी कि सरकारी हॉस्पिटल है, नजायज किसी का शोषण नहीं होता है यहाँ पे। उतारा तो देखो बहुत महज कभी हो तो करना ही पड़ जाता है, जब पेशेंट ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, तो ऐसी समस्या है, ठीक है। तो
और ये फिर कलयुग में निष्काम भक्ति करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करनी चाहिए, करनी चाहिए। निष्काम भक्ति करती है, ध्रुव ने की थी निष्काम भक्ति की थी, द्रौपदी ने की थी निष्काम भक्ति की थी, ठीक है। बहुत से हुए थे, बहुत से हुए थे, वो उनका नाम भूल जाती हूँ मैं हर बार, वो देवी भगत से जिन्होंने अपना सिर भी ध्यानु ने अपना कलम कर दिया था, निष्काम भक्ति करी थी उन्होंने। तो बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने निष्काम भक्ति की है और उन्होंने फल पाया है। कभी भी उन्होंने प्रभु से प्रभु कोई मांगा है। नरसिंह मेहता जी थे, उन्होंने कृष्ण जी की इतनी भक्ति की थी, निष्काम भक्ति करते थे। पहले लोग निष्काम भक्ति करते थे और प्रभु के प्रेमी बनते थे और तत्ते खंबे से भी निकल करके कृष्ण जी को बचाने के लिए आ गए थे, ठीक है ना। तो फिर मैं आप सभी को बस यही कहती हूँ कि जो भी आप करें, यहाँ भी दरबार में भी जो भी आप करते हैं, वो भी आपका गुप्त ही दान होना चाहिए। मैं कभी किसी का दान, कभी किसी की यहाँ पे चढ़ावा, कभी किसी का एनवलप खोल खोल के नहीं दिखाती हूँ। मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत थैंक्स करती हूँ लोगों का कि बहुत अच्छी सेवा करते हैं महारानी के लिए, दिल खोल के वो करते हैं। बस मैं दिखाती नहीं हूँ, थोड़ी कुछ मुझे शर्म आती है इन सब चीज़ों से। और कुछ मैं लोगों के लिए ये सोचती हूँ कि किसी का मन ना दुख जाए कि हम ये नहीं दे सके, हम वो नहीं दे सके, वो ना दे सके और वो अपना इलाज ना कराए। बहुत अच्छे होते हैं वो जो देते हैं, दरबारों में देते हैं तो उनका महारानी हमेशा भंडारा भर के रखती है। मैं तो आपको प्रसाद के लिए जरूर कहती हूँ, प्रसाद हर जगह लिख के जाना चाहिए। उस प्रसाद को आप अपने घर वापिस ले जा सकते हो मत्था चढ़ा के। मैं यहाँ रखना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये मुझसे फिर संभलता नहीं है, ये सामान मेरे तो कोई बच्चे नहीं खाते, हम नहीं खाते, लेकिन आप ले जाएं और अपने बच्चों को ले जाएं। मैं तो जितना फालतू बचा होता है वो भी दे देती हूँ कि आप ले जाएं, मंदिर को साफ कर जाएं ताकि मैं सुबह पूजा करने के लिए बैठूं तो मुझे सफाई होए। बहुत अच्छे हैं यहाँ लोग, सफाई करके जाते हैं, पूरा मंदिर साफ करके जाते हैं, दरिया बिछा के जाते हैं, इवन की पोछा तक भी लगा करके जाते हैं जब चौकी शाम को खत्म होती है लोग, और सुबह आकर के मैं आराम से पूजा करने के लिए बैठती हूँ, मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो मेरा बहुत सहयोग देती है जनता, तो मैं महारानी की कृपा समझ सकती हूँ इसको। नहीं तो लोग गंद इतना डाल करके जाते हैं कि करने वाला तो खुद ही परेशान हो जाता है, अब वो अपने घर को वो बना लेगा। लेकिन मेरा घर नीचे से लेके ऊपर तक लोग साफ करके जाते हैं, बहुत सलीके से बैठते हैं, बड़ी शांति से भजन सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ चौकी में अपनी शांति प्रदान करते हैं, सफाई रखते हैं, गंद नहीं फैला करके जाते। उस चीज का मैं बस भगवती का ही शुक्र करती हूँ क्योंकि माँ को पता है कि मैं नहीं सांभ सकती, मैं कर नहीं सकती, मैं करवा भी नहीं सकती किसी से। आजकल काम वाले भी नहीं करते हैं, फिर ज्यादा गंद हो तो वो भी गुस्सा करने लग जाते, पर वो भी मुझे बहुत अच्छे भगवती ने दिए। तो इसी करके मैं अपना टॉपिक यहीं करती हूँ खत्म। आपके लिए अच्छा न्यू जानकारी, विशेष जानकारी, कोई आपसे मतलब की जानकारी आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। जय माता की, जय श्री महाकाल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।